So hello and good morning all of you. Welcome to this class. Hello Shubhankar, good morning. Hello Gayatri, hello Seema, Sneha, Shivam. Hello Mukesh. Hello Amit. ओके मुकेश गुड मॉर्निंग कैसे हैं. सो आई होप इस सभी रैट रेस के बीच में आप लोग एहतियात बरत रहे होंगे बिकॉज बाकी सारी चीजें एक तरफ हैं, अभी हेल्थ एक तरफ है. सो 14 डेज आइसोलेशन, जितना ज्यादा हो सके घर में रहिए, जितना ज्यादा हो सके घर से ना निकलिए. बढ़िया आराम से 14 डेज का टारगेट लेके दो सब्जेक्ट को निपटा लीजिए ताकि आप जब सेलेक्ट होके इंटरव्यू दें तो आप बोलें कि वो मेरा मॉडर्न हिस्ट्री वीक था, मैंने स्नेहल सर की बुक से पढ़ा 14 डेज कोरोना के आइसोलेशन में बन गया, मेरा पॉलिटी वीक था पढ़ डाला, मेरा इन्वायरमेंट वीक था 14 डेज घर रहे पढ़ डाला. तो इस आइसोलेशन को इस्तेमाल कर लीजिए आराम से, ठीक है, और कोई तरीका बचा नहीं है. अब ऑल ऑफ अ सडन दुनिया को सारी मटेरियलिस्टिक चीजों से समझ में आ रहा है कि कुछ हो नहीं सकता, और डेवलपमेंट कितना भी हो गया हो सबसे ज्यादा मौत इटली में हुई है. तो बेचारे राहुल गांधी इटली भी नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है. राहुल गांधी की किस्मत देखो, यहाँ पे भी मतलब पूरे यूरोप में कोरोना को इटली ही मिला था. तो क्या कर सकते हो, कुछ लोग पनौती होते हैं. एनीवेज चलिए. हेलो अमित, नमस्कार. यस, ऑन अ सिंगल डे 475 डेथ्स हुई हैं, और इंडिया को भी वो जो पूरा सिनारियो है समझना पड़ेगा. और स्टेज टू में है अभी इंडिया, स्टेज टू से अगले स्टेज में ना जाएं चीजें, और भारत के लोग इसको सेफ्टी के साथ संभाल लें. मैं बहुत अच्छा हूँ अनुराग, कैसे हो आप? ओके, हेलो प्रीति, हेलो श्रेया. लोकल ट्रांसमिशन से बचाना है, बिल्कुल कम्युनिटी ट्रांसमिशन से अभी बचाना है, बस कम्युनिटी का जो है ट्रांसमिशन नहीं होना चाहिए, बाकी तो सब हो जाएगा, ठीक है. बहुत अच्छे, चलिए. तो बहुत सारे लोग शायद कल की क्लास में ना हो, हमने कल इमरजेंसी प्रोविजंस शुरू किए थे, फटाफट दो मिनट में रिवाइज करके हम आगे चलेंगे और आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे. श्रेया, आपको अगर रिविजन बैच ज्वाइन करना है, मैं बता दूंगा आपको. अगर रिवीजन बैच ज्वाइन करना है तो आई थिंक 20th अप्रैल से 15 दिन का एक बहुत ही रैपिड रिवीजन कोर्स 2021 के लिए, एंड अदरवाइज अनअकैडमी प्लस पे 8 बजे सुबह 8 AM पे पॉलिटी का कोर्स 30th मार्च से, ओनली 1.5 आवर्स एंड 1.5 मंथ्स, ठीक है. अराउंड 45 लेक्चर्स रहेंगे इनटू 1.5 आवर्स. ये शुरू हो रहा है 8 बजे से और 30 मार्च से, ठीक है. तो आप उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा और कंप्लीट पॉलिटी में उसमें कवर करूंगा, ठीक है जी. तो ये रैपिड रिवीजन का कोर्स एक 20 अप्रैल से 6 मई तक चलेगा, 15 दिन में कंप्लीट पॉलिटी रिवाइज कराई जाएगी अनअकैडमी प्लस पे, आई विल बी टेकिंग इट. और दूसरा पूरा कंप्लीट 1 ईयर कोर्स यहाँ चल रहा है, और इसके बाद जो है 2 ईयर जो बैच है, नो प्रॉब्लम अंकित, 2 साल का जो बैच है कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर 2021, उसमें भी आई थिंक मई में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, उस बैच में भी मई में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है. ओके चलिए, तो इमरजेंसी प्रोविजंस को फटाफट रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं, और आज हमारा टारगेट रहेगा कि हम इमरजेंसी प्रोविजंस को खत्म करने चैप्टर को,
और साथ में डीपीएसपी पढ़ेंगे, और उसके बीच में आज शुभंकर ने बोला है एंशियंट और मेडिवल के कुछ टॉपिक्स बताने को, तो या तो आज बता दूंगा या नेक्स्ट क्लास में उसको मैं खुद टिक करके रखूंगा ताकि आपको बता सकूं। ठीक है? ओके ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। इमरजेंसी की कहानी क्या है? सीधे सीधे कल हमने देख लिया था, पार्ट क्या है बताइए फटाफट, व्हाट इज द पार्ट? याद हो गया होगा अब तक आपको, पार्ट 18 आर्टिकल नंबर 352 से 360, पार्ट 18 352 से 360 के बीच में जो है इमरजेंसी प्रोविजंस दिए हुए हैं। तीन तरह की इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये आज तक नहीं लगी है, ये गिनती नहीं है, और ये आज तक 3 बार लगी है। जब भी नॉर्मल इमरजेंसी टर्म यूज होगा तो उसे नेशनल इमरजेंसी माना जाता है, स्टेट इमरजेंसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। इन तीनों प्रकार की इमरजेंसी को डील करने की पावर किसको दी गई है? हु हैज बीन गिवन द पावर टू डील विद दिस? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही, प्रेसिडेंट को दी गई है। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ताकत प्रेसिडेंट के पास है? नहीं, प्रैक्टिकली प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिमंडल। एक शब्द सिर्फ, अच्छा मुझे बताइए जरा, एक शब्द सिर्फ पूछना हो कि ताकत है किसके पास, तो एक शब्द सिर्फ बोलना हो तो आप क्या बोलोगे? व्हाट इज द बेस्ट परफेक्ट वर्ड यू कैन यूज? नो, नॉट कैबिनेट, अरे नॉट पार्लियामेंट, तो बिल्कुल भी नहीं भाई अमित। पार्लियामेंट का काम कानून बनाना होता है, अमेंडमेंट करना होता है, इट इज लेजिस्लेचर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, परफेक्ट। जिन्होंने भी कैबिनेट या कुछ और आंसर दिया था उनको ये समझ में आया व्हाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो शब्द इस्तेमाल किया गया था वो सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था। आर्टिकल 74 जो ताकत देता है वो प्राइम मिनिस्टर को नहीं देता, वो कैबिनेट को भी नहीं देता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को देता है। तो संविधान जो ताकत देता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को देता है, उसमें से पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के चलते ज्यादा पावरफुल बॉडी भले है कैबिनेट, लेकिन पूरे संविधान में लिखने के लिए हर जगह क्या लिखा हुआ है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो द परफेक्ट सिंगल वर्ड आंसर इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, छोटी छोटी बातें कई बार लोगों को नहीं आती हैं और एग्जाम में गलत हो जाती हैं, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, विच इंटर्न इज हेडेड बाई पीएम? यस एग्जैक्टली राइट, ये बात समझ गए। देन लॉजिक रैशनैलिटी, व्हाट इज द रैशनैलिटी बिहाइंड? देश की यूनिटी इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी को जब खतरा होता है तो प्रेसिडेंट इन स्पेशल पावर से ऐसी सिचुएशन को डील करता है, इसलिए दिया है। ठीक है, व्हाई इज द फज अराउंड इट? इतनी चर्चा क्यों है? कल बता दिया था, इसलिए कि बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के फेडरल सिस्टम यूनिटरी में बदल जाता है, बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के फेडरल सिस्टम यूनिटरी में बदल जाता है, इसलिए इतनी इस पे चर्चा होती है। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था जो मुझे लगता है अब तक आपको रट गया होगा। ठीक है, देन नेशनल इमरजेंसी हमने पढ़ा था, क्या कहानी है? 352 के चलते प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी, यस 352 के चलते प्रेसिडेंट, 352 के चलते प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी घोषित करते हैं, नेशनल इमरजेंसी घोषित करते हैं। अब कंप्लीट इंडिया में करने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट इंडिया में करने की जरूरत नहीं है। कौन से नंबर के अमेंडमेंट के बाद से देश के किसी हिस्से में भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है? नॉट 44th, इसीलिए मैंने पूछा था, इट वॉज 42nd। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के बाद से भारत के किसी छोटे से हिस्से में भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। पहले क्या था? 19 से 42वां संविधान संशोधन 1976 से पहले एक बार इमरजेंसी लग गई तो जब तक उसे रिवोक ना किया जाए, जब तक उसे रिवोक ना किया जाए लगी रहेगी, नंबर 1, और नंबर 2 पूरे देश में लगी रहेगी, पूरे देश में। 42वें संविधान संशोधन के बाद से एक नया प्रोविजन ला दिया कि किसी पार्ट में भी अगर प्रेसिडेंट घोषित करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक, दूसरी का खास बात कल क्या देखी थी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इंतजार करें प्रेसिडेंट जो है डेंजर के आने का, अगर खतरे का अभाव हो, अभाव बोल रहा हूं, आभास हो, तब भी प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट
इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं, ठीक है। देन हमने देखा कि तीन ग्राउंड्स होते हैं नेशनल इमरजेंसी के, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रेबिलियन, तीन ग्राउंड्स होते हैं। ये आर्म्ड रेबिलियन ग्राउंड पहले नहीं था, पहले इसका जो ग्राउंड था वो इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो लिखा हुआ था इंटरनल डिस्टर्बेंस था, लेकिन ये इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे चीजों को मिसयूज किया गया, इसलिए 44th अमेंडमेंट के बाद से इसको परिवर्तित करके आर्म्ड रेबिलियन कर दिया गया, ठीक है। पहले प्राइम मिनिस्टर की ओरल एडवाइस पे, ओरल एडवाइस पे प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा देते थे। 44वें संविधान संशोधन के बाद एक खास बात की गई कि जब तक कैबिनेट रिटर्न में न दे तब तक इमरजेंसी नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। तो अब खास बातें, 44वें संविधान संशोधन के बाद से कुछ मुख्य बातें जो परिवर्तित हो गई हैं। छह छह महीने के लिए लगेगी, यानी पहले की तरह एक बार लग गई तो अनिश्चितकालीन, जब तक राष्ट्रपति उसको रिवोक न करे वैसा नहीं होगा, छह छह महीने का टॉपअप लेना पड़ेगा। हाँ, छह छह महीने करके कितने दिन भी इमरजेंसी जारी रह सकती है, ठीक है। दूसरा, लोकसभा और राज्यसभा को 30 दिन के अंदर अप्रूव करना है। मान लीजिए इस दौरान लोकसभा डिसॉल्व हो गई या अप्रूव करने से पहले डिसॉल्व हो गई, खत्म हो गई, सस्पेंड हो गई, तो वापस रीअसेंबली के 30 दिन के अंदर लोकसभा को अप्रूव करना पड़ेगा। बट मीनवाइल राज्यसभा शुड अप्रूव इट। तो यानी क्या कहने का मतलब है, अगर राज्यसभा ने 30 दिन के अंदर इमरजेंसी को अप्रूव नहीं किया तो कहानी खत्म। डिक्लेरेशन, सब कुछ गजट नोटिफिकेशन डिक्लेरेशन होता है मुकेश, डिक्लेरेशन होता है। जैसे मोदी जी बोले थे आज रात 8 बजे के बाद से 500 के नोट नहीं चलेगी, ठीक है, वह उनका डिक्लेरेशन हुआ, लेकिन उसके बाद अप्रूवल देना पड़ेगा 30 दिन के अंदर। अप्रूवल देना पड़ेगा किसको? अप्रूवल के बिना कुछ भी नहीं होगा, पहले अप्रूवल चाहिए, ठीक है, अप्रूवल लेना पड़ेगा बोथ हाउसेस से, ठीक है। पर अगर मतलब एक ही कंडीशन है एक हाउस का, आपको पता है, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई। देन हमने कल क्या देख लिया था कि राष्ट्रपति अगर कोई एक डिक्लेरेशन कर चुके हैं, वो कंडीशन राष्ट्रपति को दूसरा डिक्लेरेशन करने से नहीं रोकती। अगर राष्ट्रपति एक डिक्लेरेशन कर चुके हैं तो वो कंडीशन राष्ट्रपति को दूसरा डिक्लेरेशन करने से नहीं रोकती, ठीक है। देन नेशनल इमरजेंसी के दो प्रकार हैं, सो कॉल्ड दो प्रकार हैं, कौन कौन से, एक्सटर्नल इमरजेंसी और इंटरनल। दो ग्राउंड्स, वॉर और आर्म्ड रिबेलियन, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, ये दोनों एक्सटर्नल वाले में आते हैं और बाकी तीसरा वाला इंटरनल में। जब एक्सटर्नल इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 19 वाले राइट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। मिनर्वा मिल्स केस के बाद से कह दिया गया साफ साफ कि नेशनल इमरजेंसी जुडिशियल रिव्यू के अंदर है। सर आप हिंदी में समझाते हैं सर, बट लैंग्वेज देके, अच्छा हाँ मैं डिक्टेट कर दूं, आप यूं कहते हैं शशिकांत तो आप इसमें टाइम वेस्ट होगा शशिकांत आपका। कारण यह है कि पढ़ना पुस्तक से ही है, आप मल्टीपल नोट्स और किसी और चीज को डबल पढ़ने की जगह अब जो है करंट अफेयर्स का इतना ज्यादा लोड है कि आप मल्टीपल चीजों की जगह एक कोई बुक, तो राज व्यवस्था वाली किताब तो आप हिंदी माध्यम से होंगे तो भी फॉलो करते होंगे, तो आप किसी और चीज पे मत जाइए, नोट्स अंत में आपको बुक पढ़ना ही पड़ेगा, तो लिख के डबल पढ़ने का कोई मतलब नहीं, बल्कि ज्यादा अच्छा होगा कि आप क्लास में समझ लें अच्छे से, मेरे साथ पुस्तक रख के कोई भी डाउट हो, आप किसी भी लाइन में कोई डाउट पूछेंगे तो मैं बता दूंगा आपको, आप उन डाउट्स को क्लियर कर लें और उस पुस्तक को पढ़ के आप घर में अलग से शॉर्ट नोट्स बना लें स्वयं, तो लिखने से जो याद करने वाली प्रक्रिया है वो भी हो जाएगी, कलम भी चल जाएगी और वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो डिक्टेशन की जगह ले दे के, डिक्टेशन की जगह, टाइम वेस्ट की जगह आप समझ लें, बुक से पढ़ लें, साथ में बुक में टाइम देता हूं क्लास में कि आप कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए,
तो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें कल हमने देख ली थी, इमरजेंसी का ये शब्द। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूछिए, ठीक है। रिटन रिकमेंडेशन, यानी आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि कैबिनेट शब्द पहले इस्तेमाल नहीं किया गया था, नंबर वन, और जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल है, ठीक है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल की भी कहानी समझ में आ गई, एक महीने के अंदर ये करना है अप्रूवल, एक महीने के अंदर अप्रूवल नहीं हुआ तो कहानी खत्म। मान लीजिए लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो राज्यसभा को तब तक करके रखना है अप्रूवल, और वापस असेंबल होते ही लोकसभा को 30 दिन के अंदर अप्रूवल करना पड़ेगा। दूसरी चीज, पहले नेशनल इमरजेंसी का अप्रूवल सिंपल मेजोरिटी से होता था, अब नेशनल इमरजेंसी का अप्रूवल स्पेशल मेजोरिटी से होता है। यह भी अपने आप में एक सेफगार्ड 44वें संविधान संशोधन के बाद लाया गया था। दूसरा, पहले प्रेसिडेंट के पास ही सिर्फ पहले प्रेसिडेंट के पास थी सिर्फ ताकत इमरजेंसी को रिवोक करने की, यानी एक बार राष्ट्रपति ने लगा दी तो पूरे देश में लग गई, अनिश्चितकालीन लग गई। अब लगी भी इमरजेंसी तो 6-6 महीने करके लगेगी, हर 6 महीने में स्पेशल मेजोरिटी से अप्रूव करना पड़ेगा, और अगर पार्लियामेंट में 1/10 मेंबर्स लिखित रूप से दे दें, मॉर्निंग अभिजीत, लिखित रूप से दे दें किसको, स्पीकर को, सभापति को, तो 14 दिन के अंदर एक सत्र बुलाना जरूरी है, और उस सत्र में अगर सिंपल मेजोरिटी से भी रेजोल्यूशन पास हो जाता है इमरजेंसी को रिवोक करने का, यानी हटा देने का, तो इमरजेंसी हट जाएगी। ये चीज पहले नहीं थी। देन कल हमने इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी देख लिया था। एग्जीक्यूटिव पे स्टेट गवर्नमेंट की सरकार रहती है, मंत्रिमंडल रहता है, बस वो केंद्र के दिशा निर्देश पे काम करता है। पार्लियामेंट में भी लोग, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की भी सेम कहानी है, स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं होता है, स्टेट लेजिस्लेचर वही यथावत रहता है, बस केंद्र के पास कॉन्करेंट पावर आ जाती है, यानी केंद्र सरकार अब स्टेट लिस्ट में भी कानून बना सकती है, लेकिन ये कानून इमरजेंसी खत्म होने के कितने दिन के बाद प्रभावी नहीं रहेंगे। स्टेट लिस्ट पे अगर केंद्र सरकार ने कानून बनाया तो मैक्सिमम कितने दिन तक चलेंगे इमरजेंसी खत्म होने के, 6 months, परफेक्ट, 6 months, मैक्सिमम 6 महीने, ठीक है। याद रहेगा सभी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रहेगा सभी को, है ना, ठीक है। देन फाइनेंशियल, सीधी सी बात है भाई, देश पे खतरा आ गया है, पैसे खर्च हो गए हैं, तो पैसा बचाने के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं वो सरकार बोल सकती है, तो चाहे वो सैलरी घटाना हो, तो क्या इमरजेंसी के दौरान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी घट सकती है, हाँ या ना। हेलो शिवांगी, बिल्कुल घट सकती है। हेलो शिवांगी, कैसे हो, जैसे कोई वीक देश हो। ये शशिकांत, ये कैसा सवाल है, ये यूपीएससी नहीं पूछेगा, इसमें परेशान ना हो, ये आपके दोस्त लोग बता देंगे भाई। शशिकांत के सवाल को बताइए भाई कोई एक जना। आ रहा हुआ, ये पुरानी सिनेमा थोड़ी चल रही है, अब ऐसा नहीं होता है, अभी सब कोरोना से लड़ रहे हैं भाई, कोई हमला कहीं नहीं होगा, नॉर्थ कोरिया पे कब्जा नहीं हो पाया, बाकी जगह कहाँ होगा बताओ, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, कुछ भी नहीं होगा शशिकांत, ठीक है। कहने का मतलब है, हाँ बताइए, कहने का क्या मतलब बताइए। थर्ड वर्ल्ड वॉर, बिल्कुल सही, डॉक्टर्स लड़ रहे हैं, सही कहा आपने, ऐसा हुआ तो देख के बताएंगे अपन क्या होगा। तो डिपेंड करेगा कि अटैक करने वाली कंट्री कौन है और जो अटैक हुई कंट्री वो कौन है, डिपेंड करेगा कि कंट्री कौन है तो डिपेंड करेगा। ऐसा अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा, अभी इससे पहले अगर ऐसा होने वाला होगा उससे पहले कोरोना परेशान करके दुनिया खत्म कर देगा, इसलिए चिंता मत करो, ठीक। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ट्रंप के गले मिलते रहते हैं मोदी जी, बिल्कुल ट्रंप अटैक नहीं करेंगे, ठीक है।
ठीक है, डोंट वरी, बिल्कुल ही नहीं होगा क्रोनोलॉजी। चलो आगे बढ़ते हैं, ये ऐसा नहीं होगा, टेंशन ना लो भाई शशिकांत, आप बिल्कुल टेंशन, अभी तो कुछ दिन यूपीएससी की भी ना लो चलेगा, तो इसकी टेंशन मत लो, अभी हमला करने के लिए लोग आएंगे नहीं, कोरोना से परेशान है, एंजॉय करो, जस्ट चिल, ठीक है, जस्ट चिल हो गया है। हेलो अमित, कैसे हैं? इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा और स्टेट असेंबली, क्या पढ़ा था हमने कल? एक एक साल के लिए लाइफ को एक्सटेंड किया जा सकता है, एक एक साल के लिए लाइफ को एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन लेकिन अच्छा, तब तब शशिकांत बिल्कुल इधर उधर परेशान ना होते हुए आप तो एनसीईआरटी को फटाफट पढ़ लीजिए, सभी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी होती हैं, कुछ विशेष एनसीईआरटी, कम से कम 11th क्लास की पॉलिटी की दोनों एनसीईआरटी, 11th 12th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, ठीक है, और ऐसी जो बेसिक हिस्ट्री की, आप जितनी एनसीईआरटी पढ़ लें अच्छा है, उसके अलावा मेरी पुस्तक पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, तो आप एनसीईआरटी खत्म कर लीजिए सेकेंड ईयर तक, ताकि फाइनल ईयर में आप एडवांस पुस्तकों को पढ़ लें और करंट अफेयर्स पे मास्टरी हासिल कर लें। हाँ जी, हमारी पुस्तक है, आप मेरा नाम सर्च करेंगे तो आपको पुस्तक के बारे में मिल जाएगा, ठीक है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे सर्च कर लीजिएगा, स्नेहिल त्रिपाठी, कहीं पे गूगल पे कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, ओके, मैं मैग्रो हिल का लेखक हूँ। चलिए, हिंदी में है, बिल्कुल हिंदी में है। एक एक साल के लिए लाइफ एक्सटेंड हो सकती है, जो कि इमरजेंसी खत्म होने के मैक्सिमम 6 महीने तक रहती है, ठीक है, अदरवाइज खत्म। नमस्ते ऋषभ। देन फंडामेंटल राइट्स पे इफेक्ट क्या आता है? फंडामेंटल राइट्स पे इफेक्ट क्या आता है, हमने ये भी देख लिया है, डिस्कस कर लिया है कि अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी लगे, अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी लगेगी, क्या होती है एक्सटर्नल इमरजेंसी? वॉर और आर्म्ड सॉरी वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे अगर इमरजेंसी लगी है तब क्या होगा? आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड, और जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगी ऑटोमेटिकली रिज्यूम। 359, आर्टिकल नंबर 359 के चलते प्रेसिडेंट बाकी फंडामेंटल राइट्स के भी एनफोर्समेंट को सस्पेंड कर सकते हैं, बशर्ते आर्टिकल 20 एंड 21, और ये 20 और 21 का भी सेफगार्ड 44वें संविधान संशोधन के बाद आया था, उससे पहले ऐसा भी कुछ नहीं था, ठीक है। और इसमें एक खास बात यह है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पावर्स आती हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो और चाहे सरकार हो, वो सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स इमरजेंसी को डील करने से रिलेटेड प्रोविजंस के ही केस में आती हैं। बात समझ में आई? इमरजेंसी से डील करने के लिए जो प्रोविजंस है उसी के केस में आती हैं, बस, ऐसा नहीं कि सरकार के पास कुछ भी कानून बदलने की ताकत आ गई, नहीं, ये बात समझ में आ गई? इमरजेंसी के समय आप ये समझ रहे हैं ना, इमरजेंसी के समय कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स रहती हैं, राइट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं टैकल करने के लिए, ठीक, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स सिर्फ वाजिब जगह पे, जो कि जरूरी है इमरजेंसी के प्रोविजन को, इमरजेंसी की अवस्था को डील करने के लिए, वहीं पे इस्तेमाल होंगे, हर जगह नहीं होंगे। हेलो इमरान, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? ठीक है, तो 3 बार 1962, ये याद रखिएगा सभी लोग, 1962, 71 और 75, ये 3 बार नेशनल इमरजेंसी घोषित हुई है, स्टेट पीएससी में पूछा जा सकता है, 62, 71 और 75 में इमरजेंसी घोषित हुई, ठीक है। दूसरा, शाह कमीशन अपॉइंट किया गया था, ये देखने के लिए गवर्नमेंट ने शाह कमीशन अपॉइंट किया था कि इन्वेस्टिगेट करे कि जो इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 में वो वाजिब थी कि नहीं, तो ये शाह कमीशन इमरजेंसी से रिलेटेड एक है, शाह कमीशन, अमित शाह नहीं है भाई, ये पुराने कोई शाह होंगे, ठीक है, तो शाह कमीशन है, इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो अब इसके आगे आ जाते हैं, प्रेसिडेंट रूल पे आ जाते हैं, यहां से हमारा बचा हुआ था, प्रेसिडेंट रूल यानी कि स्टेट इमरजेंसी, क्या है प्रेसिडेंट रूल की कहानी? प्रेसिडेंट रूल की कहानी सिर्फ इतनी सी है, सुनिएगा ध्यान से, दो आर्टिकल्स हैं, एक तो आर्टिकल 356, क्या है 356 में?
जब भी स्टेट में ब्रेकडाउन हो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का, ब्रेकडाउन हो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का, यानी सरकार अल्पमत में आ गई हो, सरकार के पास मेजोरिटी ना हो, सरकार को सरकार चलाने का अधिकार ना बचा हो, तब भी सरकार चला रही हो, दैट इज नोन एज ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। जैसे कि मान लो महाराष्ट्र में है, जैसे कि एक तरह से अभी मध्य प्रदेश में, ठीक है, यस ठीक है। तो अब उसमें लूप होल्स होते हैं, ऐसी सर्कमस्टांसेस होती हैं कि लूप होल्स में डिस्कशन चलता है। जैसे भाई विपक्ष कह रहा है कि आप कॉन्फिडेंस मोशन लाइए, अपना कॉन्फिडेंस मेजोरिटी सिद्ध कीजिए, विपक्ष कह रहा है फ्लोर टेस्ट कराइए, सरकार कह रही है कि भाई हमने 1.5 साल में कई बार फ्लोर टेस्ट करा दिया, अब हम फ्लोर टेस्ट नहीं कराएंगे, आपको कॉन्फिडेंट। एक्चुअली क्या है, जो वो 22 MLA हैं वो खेल रहे हैं, वो अभी भी नेगोशिएट कर रहे हैं। भाई लोकतंत्र में उनको वोट मिला है तो बिकना तो जरूरी है ही ना, तो वो देख रहे हैं फायदा किस तरफ है। तो अभी इन्होंने अपना पत्ता खोला नहीं है, तो बीजेपी को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने में भी कॉन्फिडेंस नहीं है, और कांग्रेस के पास ये है कि भाई आप ले आइए, कांग्रेस को भी कॉन्फिडेंस मोशन लाने का कॉन्फिडेंस नहीं है। तो दोनों अटके हुए हैं। वो कह रहे हैं साहब, बाकी लोग कह रहे हैं फ्लोर टेस्ट। हाँ, गवर्नर तो बीजेपी के पुराने स्टॉलवर्ट है, तो कहेंगे ही। सेंसर मोशन कार्तिक सिर्फ निंदा प्रस्ताव होता है, निंदा प्रस्ताव, यानी लेट से एक कोई पॉलिसी है सरकार की, या कोई एक पॉलिसी ला रही है सरकार, उसके किसी चीज के प्रति निंदा, सिर्फ स्पेसिफिक ग्रीवियंस बताने के लिए कि हम ओवरऑल सरकार से दिक्कत नहीं है, सरकार के पास बहुमत है लाने का, लेकिन हम इस चीज की निंदा करते हैं, वी डू नॉट अग्री विद दिस, दैट इज सेंसर। तो सेंसर इज काइंड ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन हैपन इन एनीथिंग, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस इज हम कारण नहीं बता रहे हैं, बस सरकार कंप्लीटली सरकार के खिलाफ है। तो समथिंग विच इज ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रीवियंस इज सेंसर मोशन, एंड कंप्लीटली अगेंस्ट द गवर्नमेंट विदाउट टेलिंग एनीथिंग इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो जनरली नो कॉन्फिडेंस मोशन जब सरकार के पास मेजोरिटी ना हो तब लाया जाता है, ठीक है, मोस्ट वेलकम कार्तिक। पर जैसे एडजर्नमेंट मोशन होता है, इट हैज एलिमेंट ऑफ सेंसर, कि जो एजेंडा तय था, एजेंडा कौन तय करता है, पार्लियामेंट का, सरकार तय करती है, यानी कि कैबिनेट की एक पार्लियामेंट्री कैबिनेट कमेटी होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, वो और कैबिनेट मिलके कि इस साल सत्र में क्या क्या प्रस्ताव आएगा, ठीक है, सत्र में क्या क्या प्रस्ताव आएगा, नहीं इमरान पढ़ाऊंगा मैं अपने हिसाब से, आपके हिसाब से थोड़ी पढ़ाऊंगा, पेशेंटली सुन सकिए तो सुनिए, इमरजेंसी के बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा, ठीक है, इंस्ट्रक्शन मत दीजिए, ध्यान से सुन सकें तो सुन लीजिए शांति से। तो बोला था तो पढ़ाऊंगा ना, लर्न हाउ टू बी पोलाइट, दिस इज अ प्लेटफॉर्म जहां आपको मिल रही हैं चीजें, यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग, तो एटलीस्ट डू नॉट डिक्टेट। मैं पढ़ाऊंगा, इसे खत्म कर दूं, 10 मिनट और हैं, इसे खत्म करके फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इट इज नॉट बिग, आधा आज हो जाएगा डीपीएसपी, आधा कल हो जाएगा, ठीक है। चलो ओके, ब्यूरोक्रेसी में आपको जाना है इमरान, समझ रहे हैं, आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है, जिसमें सबसे पहली चीज है टेम्परामेंट। चलिए, डिक्लेरेशन हो गए, प्रेसिडेंट रूल की बात, हाँ तो 356 की बात हो गई, 356 में क्या है कहानी, सिर्फ इतनी सी है कि जब संविधान के हिसाब से, ओके अंकित, जब भी संविधान के हिसाब से किसी राज्य की सरकार ना चल पा रही हो, और 355 में ध्यान से सुनिएगा, 356 के तहत लगती है प्रेसिडेंट्स रूल, 356 के तहत लगता है प्रेसिडेंट रूल, लेकिन आर्टिकल 355 में केंद्र की सरकार को ड्यूटी दी गई है, ड्यूटी, क्या ड्यूटी, कि केंद्र की सरकार इंश्योर करे कि राज्यों की, सभी राज्यों की सरकार संवैधानिक तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स एंड कंडीशंस पे चल रही है। आई क्या बात समझ में, तो जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मान लो पेरेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे, 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल, तो कहीं भी पार्टी में जाते हैं, कहीं पब्लिक प्लेस में जाते हैं, तो उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी होती है, पेरेंट्स की होती है। अगर उस बच्चे ने पंखे में हाथ डाल दिया तो कोई और किसी को डांटेगा थोड़ी, भाई गड़बड़ पेरेंट्स की है, उनको ध्यान रखना है क्योंकि बच्चा छोटा है,
जस्ट लाइक दैट केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि राज्यों में, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि राज्यों में कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेट में गवर्नमेंट चल रही है कि नहीं। अगर नहीं चल रही है तो उसको डील करने के लिए 356 में स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। ये बात 355 और 356 का खेल समझ में आया सबको? एक बार थम्स अप क्लिक कर दें सभी लोग। 355 और 356 का खेल समझ में आ गया सभी को? ठीक है जी, क्लियर। अब इसमें एक और चीज है, इसमें एक और चीज है। दूसरी चीज क्या है? 356 के अलावा देयर इज समथिंग कॉल्ड आर्टिकल 365। क्या होता है कि केंद्र सरकार के पास संवैधानिक तौर पे, कुछ शक्तियां हैं। क्या शक्तियां हैं केंद्र सरकार के पास संवैधानिक तौर पे? कुछ शक्तियां हैं। क्या शक्तियां हैं अल्टीमेटली संवैधानिक तौर पे? कि वो संविधान के फोर वॉल्स के अंदर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर, स्टेट्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, स्टेट को ऑर्डर दे सकते हैं कुछ पर्टिकुलर। ऐसा नहीं सब कुछ, फेडरल सिस्टम है, केंद्र और राज्य के बीच में पावर का बंटवारा है, तो सब कुछ तो नहीं दे सकते, लेकिन ऑर्डर दे सकते हैं कुछ पर्टिकुलर जगहों पे। जैसे इंटरनेशनल ट्रीटी करना किसकी पावर है? केंद्र की। मान लो इंटरनेशनल ट्रीटी किया मोदी जी ने, कनाडा से कोई अनुबंध, फ्रांस से कोई अनुबंध साइन हुआ, उसको एनफोर्स करने के लिए किसी राज्य सरकार की आवश्यकता है, तो केंद्र सरकार के कहने पर राज्य सरकार को वो प्रावधान प्रोविजन करना पड़ेगा। अगर उन जगहों पर जहां पे केंद्र सरकार की बात सुनना पड़ेगा राज्य सरकार को, ऐसा कंपलसरी है, और अगर राज्य सरकार ना करे तो भी इट क्रिएट्स अ ग्राउंड फॉर प्रेसिडेंट्स रूल। क्या ये पॉइंट समझ में आया? जब सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देगी स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट फेल होगी उसको फुलफिल करने का, तो भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ठीक है, ये बात समझ में आया? अच्छा, 356 के चलते, यस, दैट अगेन इट विल बी कंसीडर्ड एज फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। यस, एग्जैक्टली। दूसरा, यहां पे भी प्रोक्लेमेशन का टाइम कितना है? 2 months, 2 महीने का टाइम है, 2 महीने का टाइम पीरियड है। दो महीने में जो है स्टेट का प्रेसिडेंट रूल अप्रूव करना पड़ता है। एक बार अप्रूव हो गया तो मुझे जरा अप्रूवल के बाद की कहानी बताइए, कितने दिन चलता है? कल मैंने बताया था अप्रूवल के बाद की कहानी बताइए जरा फटाफट, चलने का टोटल बताइए, मुझे सारी चीजें जाननी है। सिक्स मंथ्स चलता है, ठीक है, 3 years, मैक्सिमम 3 years तक चल सकता है। अच्छा, इसके अलावा कोई कंडीशन? 6-6 महीने का अप्रूवल होता है यहां पे भी, मैक्सिमम 3 years तक चल सकता है। इसके अलावा कोई कंडीशन जो आपको याद रखनी होती है? करेक्ट इमरान, बिल्कुल सही हो, 3 साल तक मैक्सिमम चलता है। इसके अलावा कोई कंडीशन? 1 साल से ज्यादा चलाने के लिए, यानी 1 से 3 साल, 3 साल से तो ज्यादा चल ही नहीं सकता, 3 साल से ज्यादा तो चल ही नहीं सकता, 1 से 3 साल, यानी 1 साल के बाद इमरजेंसी को, कौन सी इमरजेंसी? प्रेसिडेंट रूल, यानी कि स्टेट इमरजेंसी को कंटिन्यू करने के लिए दो कंडीशंस का होना जरूरी है। क्या क्या? या तो देश के किसी हिस्से में नेशनल इमरजेंसी लगी हो, किसी हिस्से में या पूरे देश में, यानी कहीं नेशनल इमरजेंसी लगी हो, नंबर टू, इलेक्शन कमीशन लिख के सर्टिफाई कर दे कि भाई हम चुनाव नहीं करा सकते। जब ये दो कंडीशंस फुलफिल होंगी, नंबर वन
नेशनल इमरजेंसी लगी हो, और नंबर टू लिख के चुनाव लिख के इलेक्शन कमीशन अप्रूव कर दे, बता दे कि साहब हम चुनाव कराने में असमर्थ हैं, सिर्फ और सिर्फ तभी एक साल से ज्यादा प्रेसिडेंट रूल चलेगा, और एक साल से ज्यादा भी मैक्सिमम 3 साल तक चलेगा, 3 साल से ज्यादा तो किसी भी कंडीशन पे नहीं चल सकता। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? अब सीधी सीधी एक बात कि प्रेसिडेंट रूल में खास बात क्या होती है, प्रेसिडेंट रूल में खास बात यह होती है कि राज्य में जो एग्जीक्यूटिव है, यानी कौन है एग्जीक्यूटिव, सीएम प्लस उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसको भी सस्पेंड कर दिया जाता है, खत्म, सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स खत्म, कंप्लीटली केंद्र के कंट्रोल में। और इसमें ऐसा क्यों नहीं चल सकते आगे, मतलब ऐसे क्यों नहीं चल सकते आगे, मतलब क्वेश्चन क्या है इमरान बताइए, मतलब ये जो कंडीशन है 3 इयर्स इसलिए कि वो मिसयूज है भाई, नेशनल इमरजेंसी तो भाई युद्ध हो गया है इसलिए लगती है, एक्सटर्नल एग्रेशन ही इसलिए लगती है भाई, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो एक साल में क्या भाई, दो तरीके हैं इमरान समझना, या तो गवर्नर कोई ना कोई ऑप्शन खोजे और सरकार बना दे, जैसे महाराष्ट्र में अटका हुआ था, जैसे अभी मध्य प्रदेश में अटका है, ये मध्य प्रदेश का ड्रामा कितने दिन, महीने भर चलेगा ज्यादा ज्यादा, उसके बाद जरूरी है या तो सुप्रीम कोर्ट क्लियर कट कुछ आदेश देगा फ्लोर टेस्ट कराना पड़ेगा, या तो बीजेपी की सरकार आ जाएगी, और अगर दोनों अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। अब मान लो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग भी गया है तो वापस चुनाव कराने के लिए क्या 3 साल की जरूरत है? एक साल में ऐसा कौन सा पहाड़ है कि चुनाव नहीं हो सकता? तो या तो इलेक्शन कमीशन, तो ऐसी विपदा कब आएगी, ऐसी समस्या कि इलेक्शन कमीशन ही कह दे कि साहब हम चुनाव नहीं करा सकते, और वो भी कंडीशन ऐसी कब भाई, युद्ध चल रहा है जम्मू कश्मीर में, वहां चुनाव नहीं हो पा रहा है, मान लो अब तो चुनाव की बात ही नहीं, यूनियन टेरिटरी है, इलेक्टेड है वहां पे भी, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में चाइना से एग्रेशन चल रहा है, इलेक्शन कमीशन वहां चुनाव नहीं करा पा रहा है, इन दैट केस, आई बात समझ में? ठीक है जी, अब बस एक चीज आप फटाफट पढ़ लीजिए, आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, कोई डाउट हो तो पूछिए। आपकी बुक में, लक्ष्मीकांत सर की किताब में, नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल के बीच में एक टेबल बनी हुई है डिफरेंस वाली, कंपेयरिंग नेशनल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल, 8 पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसमें, 8 पॉइंट्स, अगर आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए तो आप प्रीलिम्स मेंस सारे क्वेश्चन कर लोगे नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी के, तो फटाफट इसको एक बार देख लीजिए, इन पॉइंट्स में एक भी डाउट हो, क्योंकि मैंने नेशनल इमरजेंसी पढ़ा दिया, स्टेट इमरजेंसी पढ़ा दिया, सिर्फ इसका डाउट कुछ हो तो पूछ लीजिए, एक बार इसे देखिए और कोई डाउट हो तो पूछिए। पढ़ते रहो, लगे रहो, और ज्यादा घूमना मत ऋषभ, तुम बहुत घूमते हो भाई, साइकिल वाइकिल चला के घूमते घामते रहते हो, थोड़ा कम। अरे तुम हमें लिख रहे सर, बस 10 मिनट में घर पहुंच रहा हूं क्लास के लिए। ओके बिल्कुल याद रहता है यार, तुम्हारे तुम मिस्टर डीएम नाम रख लोगे तो ऐसा थोड़ी याद नहीं रहेगा, तुमको डीएम बनाया ही मैंने है।
इमरान फटाफट वो टेबल देख लीजिए एक बार। ऋषभ जल्दी से पढ़ा देंगे, बिल्कुल पढ़ा देंगे। पॉइंट टू और पॉइंट एट बहुत अच्छे। ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन प्रेसिडेंट रूल में, ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन स्टेट एग्जीक्यूटिव इज डिसमिस्ड। तो मुकेश राज्य की सरकार बर्खास्त हो जाती है, भाई सरकार ही बहुमत ही नहीं प्रूव कर पा रही है, तभी तो राष्ट्रपति शासन लगा है। तो स्टेट गवर्नमेंट इज डिसमिस्ड, स्टेट लेजिस्लेचर इज आइदर सस्पेंडेड और डिसॉल्व्ड। अब आप मुझे बताओ, मुकेश आप भी बताओगे, ऋषभ है तो ठीक है, इमरान आप बताओगे। सबसे पहले इमरान आप बताओगे, डीपीएसपी पढ़ना चाहते हो पहले पूछा जाए, इमरजेंसी पूरा आता है कि नहीं आपको, मुझे ये बताओ कि एग्जीक्यूटिव को तो डिसमिस कर दिया, सुन रहे हो इमरान, कमेंट करो भाई, सर कमेंट करिए। अच्छा इमरान लगता है चले गए कहीं, तो मुकेश आप बताइएगा और शुभंकर आप बताएंगे कि, या बाकी लोग जो भी क्लास में है वो बताएंगे, इमरजेंसी में यानी कि खासकर प्रेसिडेंट्स रूल में ले तो, तभी तो गड़बड़ कर रहे थे जब पढ़ना शुरू किया है, तो एक चैप्टर जब पढ़ रहे हैं तो उसके आगे क्यों कूद पड़े, जो पढ़ रहे हैं उसको तो पूरा पढ़ो। अब बताओ सवाल। अच्छा ओके, पहले एक सवाल बताओ ऋषभ, स्टेट की गवर्नमेंट को एग्जीक्यूटिव को तो तुरंत डिसमिस कर दिया जाता है जब प्रेसिडेंट रूल लगता है, लेकिन लेजिस्लेचर को तुरंत डिसमिस नहीं करते, आइदर सस्पेंडेड और डिसॉल्व्ड। तो ये आइदर और क्यों लिखा है यहां पे लेजिस्लेचर के केस में, आइदर और क्यों लिखा है लेजिस्लेचर के केस में जरा बताइएगा। काय बात का सेफ गार्ड है बताओ, कैसा सेफ गार्ड है भाई, सरकार को डिसमिस कर दिया, लेजिस्लेचर को तुरंत क्यों नहीं किया, लेकिन कर सकते हैं ये भी लिखा हुआ है, क्योंकि आइदर और लिखा हुआ है, क्यों भाई ऐसा। ऐसा क्यों इमरान, मुकेश, ऋषभ, आप, शुभंकर और बाकी लोग जितने लोग क्लास में हैं, अंकित, सुप्रिया, मीनाक्षी, सीमा बताइए, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हो सकता कुछ भी, राज्यसभा मतलब तुम ये कह रहे हो टमाटर लाल क्यों होता है, क्योंकि पंखा तेज चलता है, ऐसा लॉजिक। मतलब राज्यसभा कहां से ले आया यार, हल्का हिंट, मे बी इफ मेजोरिटी लॉस्ट इट इज डिसॉल्व्ड अदरवाइज सस्पेंडेड, सी मेजोरिटी इज लॉस्ट देन ओनली आइदर सस्पेंडेड और डिसॉल्व्ड। मुकेश वेयर इज शिवम, वेयर इज शिवम, शिवम आई एक्सपेक्ट सम आंसर फ्रॉम यू, व्हाई इज लेजिस्लेचर नॉट इमीडिएटली सस्पेंडेड। सवाल यह है कि जब भी प्रेसिडेंट रूल लगता है, जब भी प्रेसिडेंट रूल लगता है, जब भी प्रेसिडेंट रूल लगता है, तो एग्जीक्यूटिव को तो तुरंत डिसमिस किया जा रहा है, एग्जीक्यूटिव को तुरंत डिसमिस किया जा रहा है, वॉट अबाउट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के लिए लिखा है सेकेंड नंबर पॉइंट में कि इट इज आइदर सस्पेंडेड और डिसॉल्व्ड, आइदर सस्पेंडेड और डिसॉल्व्ड। तो सस्पेंड क्यों कब करते हैं और डिसॉल्व कब करते हैं, सीधे डिसॉल्व क्यों नहीं कर देते, आइदर और क्यों इतना लफड़ा क्यों इसमें किया गया है।
अरे नहीं, दैट वाज प्रीटी इनोसेंट आंसर फ्रॉम यू शुभम. नो, अरे इलेक्टेड तो क्या मंत्रिमंडल, मंत्री जो लोग होते हैं वो बिना इलेक्टेड मंत्री बन जाते हैं. मे बी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, एक मिनट, इट कैन डिसॉल्व ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट. वो तो है ही है. मैं क्वेश्चन आंसर ये सवाल ही नहीं था शुभंकर, सवाल ये था कि कब डिसॉल्व होगा. अच्छा दूसरा सवाल बताओ, कब डिसॉल्व होगा और कब सस्पेंड होगा. इसमें एक चीज बताइए आप लोग, ये लिखा है ना कि आइदर डिसॉल्व और सस्पेंडेड, अग्रीड यहां तक, आइदर डिसॉल्व या सस्पेंडेड, यानी अपने पास दोनों ऑप्शन है, यानी गवर्नर हो, राष्ट्रपति हो, भगवान हो, बजरंग बली हो, दो ऑप्शन है, ऑप्शन दो ही है ना, या तो डिसॉल्व या सस्पेंड. अब मुझे बता दो कब डिसॉल्व और कब सस्पेंड. मुकेश, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू मेंटेन, व्हाट एग्जैक्टली इज दैट एब्स्ट्रैक्ट थिंग कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी विच यू आर टॉकिंग अबाउट. इमरान, एनी क्लूज. व्हाई इज इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल टू डिसॉल्व व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी रन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट. नो, चलो ये तो छोड़ दो, बस एक चैप्टर बताओ यार तुम, मतलब हद हो गई. बता दो भाई दोस्तों, चैप्टर बता दो. तो समझ गए सवाल, देखो इसी, दिस इज कॉल्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी. बिकॉज फॉर एग्जीक्यूटिव देर इज गवर्नर विच एक्ट एज एन एजेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. अल्टीमेटली शिवम, इट कैन अल्टीमेटली शिवम डिजोल्व तो की ही जा सकती है ना, कभी तो डिजोल्व करते ही होंगे ना, कभी तो डिजोल्व करते होंगे. और जब करते होंगे तब क्या होता है, तब होता क्या है, तब ताकत पार्लियामेंट के पास चली जाती है, ताकत पार्लियामेंट के पास चली जाती है, राइट, पार्लियामेंट के पास चली जाती है, राइट. तो मेरा यही सवाल है कि कब डिसॉल्व करते हैं और कब सस्पेंड करते हैं. आंसर सुनोगे तो तुम खुद कहोगे यार ये तो पता था, सोचा कैसे नहीं. जस्ट बिकॉज कंसेप्चुअल क्लैरिटी लैकिंग है इसलिए आप लोग इसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं. कब डिसॉल्व और कब सस्पेंड. नहीं गवर वैसा करेंगे नहीं. अब मैं बता देता हूं आंसर आप लोगों को, ध्यान से, कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं इसका आंसर, थम्स अप क्लिक कर दें भाई फटाफट. कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं इसका आंसर, इसीलिए मैं कहता हूं कि पढ़िए, क्लास में डाउट पूछिए और 100% क्लैरिटी रखिए. सुनिए, जब मान लीजिए, एग्जाम्पल से समझाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. महाराष्ट्र की सरकार के बारे में सबको पता है कैसे बनी है, महाराष्ट्र की सरकार के बारे में सबको पता है, कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना का कोएलिशन है, ठीक. मान लो ऋषभ यार, स्पेलिंग तो सही लिखा करो, नौजवान व्यक्ति हो, हम लोग लिखें गलत तो चलता है, आप नहीं लिखेंगे. हाँ मान लो कांग्रेस अपना समर्थन विड्रॉ कर ले, मान लो, तो ये पूरी जो सरकार है ये माइनॉरिटी में आ जाएगी, अल्पमत में आ जाएगी, यानी ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो गया, यानी प्रेसिडेंट रूल लगने का वाजिब ग्राउंड हो गया. और अगर फ्लोर टेस्ट पे फ्लोर टेस्ट पे सरकार खरी नहीं उतरती तो वाजिब प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा. अब पॉइंट नंबर टू कह रहा है कि जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगेगा एग्जीक्यूटिव डिसमिस हो जाएगा. हेलो रविंद्र, एग्जीक्यूटिव डिसमिस हो जाएगा, मान लिया. एग्जीक्यूटिव डिसमिस मतलब सरकार, मुख्यमंत्री और मंत्री गए, मान लिया. लेकिन महाराष्ट्र की विधानसभा को या तो सस्पेंड किया जा सकता है और या फिर डिसॉल्व किया जा सकता है. मैं इसी पे तो सवाल पूछ रहा था, अब सवाल अच्छे समझ में आया. या तो महाराष्ट्र की लो विधानसभा को सस्पेंड किया जा सकता है
और या फिर डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक, मेरा सवाल था कब सस्पेंड करेंगे और कब डिसॉल्व करेंगे। ठीक, काउंसिल तो परमानेंट बॉडी होती है ना, इट इज अ परमानेंट हाउस। डज इट एवर गेट डिसॉल्व? नो, इट इज लाइक राज्यसभा, इट नेवर गेट्स डिसॉल्व। और सरकार तो मेजॉरिटी तो विधानसभा में प्रूफ करनी पड़ती है। नहीं, अब ऋषभ सुनना, आंसर सुनना, आंसर इज कि भाई मान लो सरकार गिर भी गई, मान लो सरकार गिर भी गई तो अभी भी वापस सरकार बनाने का ऑप्शन तो है ही ना। कैसे? वापस शिवसेना बीजेपी के साथ अलायंस कर ले तो वापस सरकार क्या नहीं बन सकती? बन सकती है। तो जब तक मौके बचे हैं सरकार बनाने का, देखो इलेक्शन कराना लास्ट रिजॉर्ट है, आखिरी काम होता है इलेक्शन कराना। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कराने में हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे, इलेक्शन कराने में हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे। बिल्कुल रविंद्र, ठीक है। तो एक आध महीना सस्पेंड है, कानून नहीं बनाएगा लेजिस्लेचर, लेकिन क्या शिवसेना बीजेपी सरकार बना सकती है? जब बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि कोई चारा नहीं है, शिवसेना बीजेपी के साथ नहीं आना चाहती, कांग्रेस शिवसेना के साथ नहीं आना चाहती, यानी सरकार नहीं ही बन सकती, तब डिसॉल्व। तब तक क्या होता है, उसे हंग पार्लियामेंट, हंग लेजिस्लेचर कहते हैं। समझ में आई क्या बात? ये कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है, ऑल क्लियर, बहुत अच्छे रविंद्र, बिल्कुल 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 आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। रविंद्र एक काम करिएगा, कल भी मैं एक स्ट्रेटजी की क्लास लूंगा, कल मैं 11 बजे एक स्ट्रेटजी की क्लास लूंगा 2021 के लिए, बहुत लोगों का डाउट है, तो आप कल कल ज्वाइन इन कर लेंगे और उसमें आपको जो पूछना हो पूछ लीजिएगा। ठीक है, पूछो ऋषभ, पूछो क्या पूछना है। तो कल विस्तार से हम उस पर चर्चा कर लेंगे रविंद्र, और दूसरी चीज ये कि आपको जो डाउट पूछना है वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग उड़ी बाबा, गुड मॉर्निंग भाई। चलो अब दो मिनट, क्या नाम है इसका, ऋषभ, ये पॉइंट नंबर 2 और 8 खत्म कर दूं, फिर जो पूछना है पूछो। तो ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन द स्टेट एग्जीक्यूटिव इज डिसमिस्ड एंड द स्टेट लेजिस्लेचर इज आइदर सस्पेंडेड और डिसॉल्व्ड। ये बात तो समझ में आ गई। प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स द स्टेट थ्रू गवर्नर। सरकार कैसे चलती है? एकदम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एग्जैक्टली लाइक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वॉट इज इन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? केंद्र के कंट्रोल्ड, केंद्र से कंट्रोल्ड राज्य की सरकार चल रही है। केंद्र से कंट्रोल्ड यानी केंद्र का एजेंट होता है गवर्नर, केंद्र का एजेंट होता है गवर्नर, प्रेसिडेंट के आदेश पे गवर्नर राज्य की सरकार, राज्य की ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से चलाता है। आई बात समझ में? एंड द पार्लियामेंट मेक्स लॉज फॉर द स्टेट। ऑब्वियसली स्टेट लेजिस्लेचर जब सस्पेंडेड है तो भी और डिसॉल्व्ड है तो भी कौन अल्टरनेटिव कानून बनाएगा? कानून बनाने का काम दायित्व पार्लियामेंट का रहेगा। इन ब्रीफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द स्टेट आर अज्यूम्ड बाय द सेंटर। तो जैसा कि मैंने कहा था कि इट इज जस्ट लाइक रिमोट कंट्रोल, जब भी स्टेट इमरजेंसी यानी प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो रिमोट सेंटर के पास चला जाता है, दूर से ऑपरेशन। अदरवाइज मैं बोलता था ना, पुराना टीवी जैसे, टीवी में जो बटन्स होती हैं उससे ऑपरेट करते हैं। तो जब नॉर्मल राज्य की सरकार चल रही होती तो टीवी का ऑपरेशन, और जब प्रेसिडेंट रूल लग गया तो रिमोट कंट्रोल केंद्र के पास चला गया। ठीक है जी, छह महीने इमरजेंसी, हाँ हाँ बिल्कुल 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 कर सकता है। वापस मुकेश ताकत स्टेट के पास आई तो स्टेट कुछ भी कर सकता है, डिपेंड्स कि ये देखो लॉजिकली सोचा करो। इस सवाल को आप मुझसे पूछने से पहले अगर खुद सोचते तो आपको कैसे आंसर मिलता कि क्या कोई कानून अमेंड हो सकता है या नहीं, तो आपके मन में खुद ही जवाब आता कि हाँ ऐसा कोई कानून, जब संविधान अमेंड हो सकता है तो कानून तो अमेंड हो ही सकता है। तो डिपेंड करेगा कि वो कानून अमेंड करने की शक्ति उस समय किसके पास है, तो उस समय किसके पास होगी? स्टेट लेजिस्लेचर के पास। तो आंसर इज यस। ठीक है, ओके।